हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दुनित। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूकेजी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट, जो कि बेस्ड है इंग्लिश सब्जेक्ट पे। तो ये वर्कशीट आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प करेगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वर्कशीट को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बिग और स्मॉल लेटर्स। इस क्वेश्चन में बच्चों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अब भी ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जिनको फोर लाइन में लिखते वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों की प्रैक्टिस हो, बच्चे रिवाइज्ड हो और बच्चों की राइटिंग स्पीड बढ़े, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हमें अल्फ़ाबेट दिया है कैपिटल जी, सो इसका आंसर होगा स्मॉल केस जी। देन कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। देन लोअर केस पी है तो हमें यहाँ लिखना होगा अपर केस पी। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लुक एट ईच पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड। यूकेजी के बच्चे काफ़ी आसानी से थ्री लेटर वर्ड यानी सीवीसी वर्ड्स याद रख पाते हैं, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बच्चों को पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और पिक्चर वर्ड उस पिक्चर के सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट है रैट, आर ए टी रैट। सेकेंड इज रैम, आर ए एम रैम। ये क्वेश्चन फोनिक साउंड की हेल्प से भी काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे टैप, ट एफ ब, टैप। नेक्स्ट इज मैट, म ए ट मैट, एम ए टी मैट। देन नेक्स्ट इज वैक्स, डब्ल्यू ए एक्स वैक्स। देन द लास्ट वन इज कैप, सी ए बी कैप। कंप्लीट द राइमिंग वर्ड पजल। तो अब ये क्वेश्चन राइमिंग वर्ड्स पे बेस्ड है। सो पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट स्पेलिंग यहाँ बच्चों को लिखना है। फर्स्ट है बिन, बी आई एन बिन। नेक्स्ट पिक्चर इज पिन, पी आई एन पिन। तो इस तरीके से ये राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है विग, डब्ल्यू आई जी विग। देन दिस वन इज फिग, F I G fig. Then next one is pot, P O T pot. Then this one is dot, D O T dot. Then next is top, T O P top. This picture is of mop, M O P mop. तो इस तरीके से ये राइमिंग वर्ड पजल बच्चों को कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल ईच थ्री लेटर वर्ड। अब यहाँ पे पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ पे बच्चों को हेल्प भी दी है, लेटर्स प्रोवाइड किए हैं, बट ये स्क्रैम्बल है जिन्हें अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज कार, C A R car. This one is bat, B A T bat. This one is hat, H A T hat. Then this is cup, C U P cup. Next one is net, N E T net. Box, box, B O X box. This is web, W E B.
वेब. सो इस तरीके से बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आई होप ये वर्कशीट आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प करेगी. तो ये था वर्कशीट का पार्ट फर्स्ट. वर्कशीट का सेकेंड पार्ट देखना ना भूलिएगा. उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा.